नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के मामलों को लेकर सख्त कानून लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जनपद कानपुर देहात में एक और मामला प्रकाश में आया जहां दलित युवती को मुस्लिम समुदाय का एक युवक रात्रि लेकर फरार हो गया। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात कोतवाली भोगरीपुर क्षेत्र के पुखराया इंदिरा नगर वार्ड नंबर 1 का है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने कोतवाली भोगरीपुर में प्रार्थना देते हुए बताया कि बीती रात्रि 12 बजे के आसपास वह अपनी बेटी के साथ घर के बाहर सो रही थी। इसी बीच हरदुआ गांव निवासी मुन्ना नाम का युवक युवती को बहला फुसला कर भगा ले गया। इसी बीच रात्रि को माँ की आँख खुलने के बाद पता चला कि बेटी गायब है, तो पीड़ित माँ ने रात्रि को बेटी की खोजबीन की लेकिन बेटी का कहीं अता पता नहीं चल सका। इसी दौरान सुबह पीड़ित माँ ने घर में रखे बेटी के बैग की तलाशी ली तो आरोपी युवक की फोटो मोबाइल नंबर बरामद हुआ, जहां आज पीड़ित माँ ने अपने बेटे के साथ कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। जब इस संबंध में कोतवाल भोगनीपुर दासनाथ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपका कहां रहने वाली है? आज आप कोतवाली भोगनीपुर आप आई हैं, किस लिए आई हैं आप? कब सो रही थी? अच्छा, उसका नाम क्या है? उम्र कितनी उसकी? अठारह से कम है। तो किस बात को लेकर क्या है पूरा मामला? उस लड़के को आप पहचानती हैं? क्या नाम है उसका, कहाँ रहने वाला है? मुन्ना मुस्लिम समुदाय का है। आप किस बिरादरी की हैं? अच्छा, आज आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है? जांच करने आ रहे हैं। अच्छा, तो आप अब चाहती क्या है? आप अच्छा, क्या लड़की पढ़ रही थी क्या आपकी? We'll be right back.